जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। द्वारका साउथ के सतर्क पुलिस कर्मियों ने दो कुख्यात अपराधियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। द्वारका साउथ के सतर्क पुलिस कर्मियों ने दो कुख्यात अपराधियों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया, जो डकैती और चोरी के मामलों में मुकदमे से बच गए थे, जिससे उन्हें घोषित अपराधियों का दर्जा मिला। SI तरुण राणा प्रभारी PP सेक्टर 1 के नेतृत्व में समर्पित टीम ने इन व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अथक प्रयास किया और अंततः यह सुनिश्चित किया कि उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़े। गिरफ्तार अपराधियों का गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का इतिहास रहा। अमित, जिसे रिंकू के नाम से भी जाना जाता है, पहले हरियाणा के रोहतक में दो हत्या के मामलों से जुड़ा हुआ था। इस बीच महेंद्र के खिलाफ आरोपों की एक लंबी सूची है, जिसमें डकैती, चोरी, हत्या और शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन शामिल है। घोषित अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन के एक विशेष अभियान का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य भगौड़े अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना था। PS द्वारका साउथ की टीम में इंस्पेक्टर की देखरेख में HC कुलदीप सिंह, HC प्रवेश दहिया और HC देवेंद्र सिंह शामिल थे। आशीष कुमार दुबे, SHO द्वारका दक्षिण और श्री का समग्र पर्यवेक्षण। दोनों अपराधियों की सफल गिरफ्तारी में ACP द्वारका मदनलाल मीणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सफलता तब मिली जब टीम को महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि अमित उर्फ रिंकू और महेंद्र बागड़ी उर्फ प्रदीप दोनों को 30,000 अदालत नई दिल्ली द्वारका घोषित अपराधी घोषित किया गया था। उन्होंने पकड़ से बचने के लिए अपना निवास स्थान बदल लिया और तकनीकी और मैनुअल निगरानी के संयोजन के माध्यम से पुलिस ने क्रमशः हरियाणा के रोहतक और बकरवाल दिल्ली में आरोपी व्यक्तियों का पता लगाया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी चल रही मुकदमों में सजा से बचने के लिए भाग रहा था। अपने कार्यों के कानूनी परिणामों से बचने के लिए वे बार बार अपना पता बदलते रहे। यह सफल ऑपरेशन यह सुनिश्चित करने में दिल्ली पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि अपराधियों को उनके कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़े, भले ही वे कितने भी देर तक कानून से बचने का प्रयास करें। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अभी हिरासत में हैं और कानूनी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।